हाल के दिनों में हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच टकराव चरम पर है। दोनों के बीच एक और भयंकर युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर भीषण हमले भी किए जा रहे हैं। हालांकि लेबनान इन दिनों इजरायली हमलों और बीते हफ्ते पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से बिल्कुल तमतमाया हुआ है। हिजबुल्ला ने कहा कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे इजरायल का हाथ है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बम प्लांट किए थे जिन्हें हिजबुल्ला तक पहुंचाया था, जिनमें एक के बाद एक ब्लास्ट होने से लेबनान में हाहाकार मच गया था। इससे तिलमिलाए हिजबुल्ला ने इजराइल से बदला लेने के लिए लगातार उत्तरी इजराइल में हवाई हमलों को अंजाम दिया। हिजबुल्ला ने फिर से अपनी ताकत दिखाते हुए मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा किया। समूह ने अपनी सबसे ताकतवर कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। ये पहली बार है जब हिजबुल्ला ने इजरायली राजधानी तेल अवीव में हमला किया है। साथ ही पहली बार हिजबुल्ला ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर मध्यम दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल भी किया। ये बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली खतरनाक मिसाइलों में शुमार है। हिजबुल्ला ने बताया कि गाजा में हमारे फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और लेबनान और उसके लोगों की रक्षा में लड़ाकों ने मोसाद मुख्यालय को निशाना बनाते हुए कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। मोसाद जिसका मुख्यालय तेल अवीव में है, वही पेजर और वायरलेस उपकरणों के जरिए हिजबुल्ला नेताओं की हत्या का जिम्मेदार है। इस बीच हिजबुल्ला के सैन्य मीडिया ने एक फुटेज में कादर 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की खूबियों का खुलासा किया। दावा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल तेल अवीव में इजराइल मोसाद के मुख्यालय पर हमले में किया गया था। कादर 1 एक सामरिक शॉर्ट रेंज सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है, जिसमें 500 किलोग्राम का वॉरहेड होता है। इसका व्यास 620 mm, इसकी लंबाई 7,665 mm है। कुल वजन करीब 2,870 किलोग्राम है। इसकी रेंज 190 किलोमीटर और इसका वॉरहेड वजन 500 किलोग्राम है। इसकी मारक क्षमता का मतलब साफ है कि ये तेल अवीव और उसके बाहर इजराइल के किसी भी रणनीतिक साइट और अड्डे पर सटीक हमला करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला ने अपने जंगी बेड़े से ऐसा सामरिक हथियार दुनिया के सामने दिखाया है जिसे अब तक किसी भी अन्य प्रतिरोधी गुट ने नहीं दिखाया। ये बम हवाई युद्धाभ्यास में भी सक्षम है, साथ ही अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर सकता है। ऐसे हथियार गाइडेड सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक से लैस है जो उन्हें हिजबुल्ला के बिना गाइडेड रॉकेट आर्टिलरी हथियारों जैसे कत्यूशा और फादी सीरीज के रॉकेटों से अलग करते हैं। कादर सिस्टम इजराइल के एयर डिफेंस का भी सामना करने का मादा रखती है। अपनी तेज रफ्तार होने के कारण जब यह मिसाइल दुश्मन पर दागी जाती है तो उसे बचने तक का मौका भी नहीं देती है। इजरायली मीडिया की माने तो इससे मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान नहीं पहुंचा है। इजरायल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। ये एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में मोसाद का नाम आता है।